मुश्किलें बढ़ने वाली है। हमें ये पता है कि जो देश के सर्वोत्तम शिक्षा मंत्री है, जिन्होंने 18 लाख दिल्ली के बच्चों का भविष्य सुधारा है, उनको फर्जी केस में फंसाया जा रहा है, जो कि गलत है। हम यहाँ पर जब तक डटे रहेंगे तब तक मनीष जी की रिहाई नहीं होगी। अभी आपकी सोल बढ़ रहे हैं, हम बैरिकेड की ओर बढ़ रहे हैं और हम अपने मनीष जी को रिहा करा के रहेंगे। मनीष जी ऑफिस का घेराव करेंगे, बिल्कुल हम बीजेपी ऑफिस का घेराव करेंगे। बीजेपी की साजिश के द्वारा ये हो रहा है, फर्जी केस में फंसाया जा रहा है देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को। मनीष जी को आवाज बन गया है। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा की नीति को बंद करना चाह रही है और विरोध में गलत इल्जाम लगा रही है मनीष जी के ऊपर कि इन्होंने रिश्वत ली है। अगर रिश्वत ली है तो कहां है वो पैसा? 10,000 करोड़ का इल्जाम झूठ साहब है। ये सिर्फ शिक्षा को बर्बाद करने की बात है। मनीष सिसोदिया के साथ पूरी जनता है। अब क्या करने वाले आप लोग? आगे जा रहे हम अपने हम गिरफ्तारी देंगे, जेल भरेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, लेकिन मनीष सिसोदिया को छुटाएंगे हम। जनता इस वक्त इतनी आक्रोश में आ चुकी है इन लोगों के खिलाफ, तो बीजेपी इस्तीफा मांग रही है केजरीवाल। बीजेपी अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए सब काम कर रही है। बीजेपी हर जगह से हार रही है और उसकी फूटियां डाल रही है वो। हमारा एक ही मकसद है, मनीष सिसोदिया को छोड़ो बस। अगर उसने कोई बदतमीजी या कोई काम करा है ऐसा तो उसको लाओ ना, सबूत लाओ। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली की जनता की जीत है, आखिर घोटाला सामने आ ही गया। देखिए घोटाला दिल्ली की जनता के साथ मनीष सिसोदिया ने कोई करा ही नहीं है। ये बीजेपी की प्लानिंग है सारी कि किसी तरह दिल्ली की जनता अनपढ़ गवार रह जाए, शिक्षा ना आगे बढ़े। आप पूरे देश को देख लिए, दिल्ली की शिक्षा सबसे नंबर वन है और हमारी शिक्षा नीति विदेशों में बनाया जा रहा है। कह रहे कि आप बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं। बीजेपी के पास जो बेईमान है वो जाके सफेद हो जाता है, काला आदमी हो जाता है, सफेद हो जाता है, वो मशीन है बीजेपी। बीजेपी को अगर आप गलत हो चले आप बिल्कुल सही हो। आप देख रहे हो मेघालय के अंदर कल जो इलेक्शन जीता है, कल तक मेघालय में बीजेपी उसके खिलाफ थी, आज वो सबसे अच्छी पार्टी बन गई है। तो बीजेपी का अपना चालो चरित्र कुछ भी नहीं है, उसको तो सत्ता चाहिए, किसी भी तरह से सत्ता चाहिए उसको। लेकिन कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बाकी पूरी सरकार है, कैबिनेट पूरा जेल के अंदर जाएगा। आप सबको भेज दो, लेकिन जनता तो देख रही है ना, आपके पास पावर है, आप सत्ता में बैठे हो, आप जनता को मौका तो दो अपनी बात से कहने का। ये क्या हो रहा है, जनता की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। ये जो सिर्फ जनता को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि लोग इनके साथ छोड़ दे, लेकिन एक एक कार्यकर्ता एक एक आदमी आम आदमी पार्टी के साथ है। तो आपको लगता है कि सीबीआई अभी सरकार के दबिश में काम कर रही है? बिल्कुल सीबीआई सभी दबिश में काम कर रही है। सीबीआई क्या, ईडी जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वो इनके साथ काम कर रही है। आज कोर्ट में पेशी है तो क्या कुछ लग रहा है कि उम्मीदें हैं जमानत? हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा है, कोर्ट हमारी सुन रही है और सुनेगी कर और इस फैसले को भी सीबीआई की अदालत में जाएगा। सवाल तो आपकी ईमानदारी को लेकर भी उठ रहे हैं कि घोटाले के बाद एक एक बार मंत्री जेल में जा रहे हैं। देखिए ये घोटाले आप कितने भी लगाते रहे, लेकिन सब आप किसी भी मंत्री को चोर साबित नहीं कर सके हैं, किसी को भी साबित नहीं कर। जितने भी आप इल्जाम लगाते हैं महीने दो महीने छह महीने में बरी हो जाते हैं, लेकिन ये वजह है। क्या दिक्कत हो गई? जनता की बात, जनता की आवाज जनता की पहुंचाने के लिए यह आज प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पे सरकार के खिलाफ नहीं हो रहा है, सरकार की नीतियों के खिलाफ हो रहा है कि सरकार गलत कार्य कर रही है। हम सरकार को ये ताना चाह रहे हैं कि देखिए हम जनता के साथ है, जनता के लिए काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के लिए है। सरकार के लिए चलते चलते बात करते, सरकार के लिए इसमें हमारा कोई रोल नहीं? तो सीबीआई की कार्यवाही चल रही है, अगर घोटाला करोगे तो जेल तो जाओगे। तो मैडम एक बात बताइए, सीबीआई का घोटाला चल रहा है, कितने दिन चल रहा है? सरकार की जो नीति बनी है पहले, इसमें एलजी ने बेगल साहब ने सिग्नेचर करे हैं, होम मिनिस्टर सिग्नेचर करे हैं, आज वो पॉलिसी कैसे चेक हो रही है? अगर वो पॉलिसी बनी थी पहले, बनी थी पॉलिसी, उसको पहले देखना चाहिए था ना। अब आखिर
भी सवाल लेते हैं, अभी आप कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे थे और अचानक से सड़कों पर आके कह रहे कि बीजेपी के हराले कार्यकर्ता सम्मेलन होता है, बड़े नेता तो समझा रहे हैं लेकिन जनता का आक्रोश, कार्यकर्ता का आक्रोश कि हमारे ऐसे आदमी को जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं जो जनता के लिए, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए कार्य कर रहा है। ये इसीलिए जो आक्रोश का जन नेताओं ने नहीं कहा कि आप चलो, जनता खुद निकले, कार्यकर्ता खुद बाहर निकले इसमें। देखिए ये जनता का आक्रोश है, कह रहे हैं कि जनता की अपील थी कि वो सड़कों पर निकल जाए और सीधा जो बीजेपी ऑफिस है उसका घेराव करें। आप तस्वीरें देखने चाहो तो इस वक्त दिल्ली की सड़क जहाँ पर आईटीओ पर स्थित आम आदमी पार्टी का ऑफिस है वहाँ पर दोनों ही सड़कें जाम हो चुकी है, जनता सड़कों पर आ चुकी है और ये आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है जो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को इंसाफ दिलाना है, उनको जेल से बाहर निकाल के लाना। और आपको बता दें कि आज ही मनीष सिसोदिया की कोर्ट के अंदर पेशी भी होनी है और पेशी में क्या उनको जमानत मिलती है नहीं मिल पाएगी, आपको हम अपडेट देते रहेंगे।